सो दोस्तों, इस 2024 में YouTube का एक नया पॉलिसी लागू हुआ जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, कहने का मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों, इस पॉलिसी के बारे में आज आपको बताऊंगा, ये पॉलिसी कौन सा है, कैसा है। दोस्तों, इस पॉलिसी की वजह से आपका वीडियो अगर है आपके चैनल पर, उस पॉलिसी के तहत आपका जो चैनल है वो एक ही सेकंड में डाक से उड़ सकता है, गायब हो सकता है, पता भी नहीं चलेगा आपको। और ये क्या चीज है दोस्तों, कैसा है पॉलिसी, आपको सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा। सो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहना। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं अपने इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल साहू अभिषेक गुप्ता को। सो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल पर भी सेट कर देना। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए यूट्यूब का कौन सा पॉलिसी है जिससे कि यूट्यूब चैनल डिलीट हो सकता है, और आप कैसे चैनल को बचा सकते हैं वो भी हम बताएंगे इसी वीडियो में। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अगर आप वीडियो पब्लिक करते थे, अपलोड करते थे यूट्यूब पर, पब्लिक कर देते थे, तो वहां पर आपको अगर जैसे कि मान लीजिए कोई वीडियो ऐसा है कंपनी गाइडलाइंस के खिलाफ है, तो वहां पर क्या होता था, आपको स्ट्राइक देता था यूट्यूब। जब आप वीडियो पब्लिक करते थे, स्ट्राइक दे देता था, आपका वीडियो रिमूव कर देता था और आपके चैनल पर एक स्ट्राइक या फिर एक वार्निंग स्ट्राइक दे देता। पहली गलती रहती थी तो वार्निंग देता था, और दूसरी गलती हो जाती थी स्ट्राइक दे देता था। और फिर दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ, यूट्यूब ने बस उसी को चेंज कर दिया, थोड़ा सा 2024 में और बदल दिया। देखिए, अब अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं चैनल पर, पब्लिक हो प्राइवेट हो अनलिस्टेड हो, तो वहां पर भी स्ट्राइक आएगा। कैसे आएगा, जैसे कि मान लीजिए आपने पब्लिक नहीं किया वीडियो को, अनलिस्टेड में रखा या फिर अपलोड कर दिया प्राइवेट में, तो वहां पर कैसे आपको स्ट्राइक मिलेगा। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था कि कुछ लोग, कुछ वीडियो होता था जो कि पॉलिसी के खिलाफ रहता था, तो अनलिस्टेड में या फिर अनलिस्टेड या फिर प्राइवेट डाल करके छोड़ देते थे वीडियो को, तो वहां पर उनको स्ट्राइक नहीं मिलता था। जब वो वीडियो को पब्लिक करेंगे तभी स्ट्राइक मिलेगा। तो ऐसे में यूट्यूब ने उस पॉलिसी को चेंज कर दिया है। उस पॉलिसी को चेंज करने का मतलब ये, अब जैसे आप वीडियो अपलोड करते हैं, अगर वीडियो में थोड़ा सा कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ के तहत है, वहां पर कुछ वल्गर हो गया या फिर अडल्ट कंटेंट हो गया, या फिर वीडियो में कहीं ज्यादा गाली ग्लोच कर दिया है, या फिर आप मान लीजिए कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, तो मतलब कि है अगर आपकी वीडियो में थोड़ा सा भी, तो वहां पर क्या होता है कि आपको यूट्यूब स्ट्राइक दे देगा। अब आप चाहे पब्लिक में रखें वीडियो, अनलिस्टेड में रखें या फिर प्राइवेट में रखें, यहां पर तो क्लियर हो गया कि आपको स्ट्राइक मिल लेगा अगर आप थोड़ा सा भी गलती करते हैं। और दोस्तों, जो दूसरा पॉलिसी है वो है एक्सटर्नल लिंक को लेकर के। देखिए दोस्तों, जब आप वीडियो बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो वहां पर आप डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में कहीं कहीं आप एक लिंक लगाते हैं। लाइक मान लीजिए अगर आप कुछ ऐसा लिंक लगा रहे हैं जो कि स्पैम है, गैम्बलिंग है, कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, वहां पर कुछ ऐसा हो गया, जैसे मान लीजिए आपने किसी गेम का आपने वहां पर लिंक डाल दिया, लगा दिया, और वो गेम क्या है, स्पैम है, तो वहां पर क्या होगा कि आपको स्ट्राइक मिलेगा। अब ये तो लाइक पहले से ही था, बट लेकिन अब स्ट्राइक फिर भी मिलेगा। और हाँ, अगर आप कमेंट करते हैं कहीं किसी के पास, कमेंट में अगर आप ऐसा शब्द कुछ कमेंट मार देते हैं अपने ही चैनल वाले आईडी से, मतलब अपने ही चैनल वाले आईडी से अगर आप कहीं किसी के पास कमेंट्स करते हैं, तो वहां पर कुछ ऐसी भाषा कुछ लोग कमेंट्स कर देते हैं, कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज कर लेते हैं कि जहां पर कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ रहता है, तो वहां पर आपको स्ट्राइक देखने को मिलेगा। कमेंट आप उनके वीडियो पे करेंगे, स्ट्राइक आपको आएगा। अब आप सोच समझ के कमेंट भी करना कहीं किसी के भी पास। और दोस्तों, थंबनेल को लेकर के, देखिए दोस्तों, थंबनेल को लेकर के तो लाइक मान लीजिए पहले से ही था, अडल्ट फोटो आप लगाते हैं थंबनेल पर या फिर कुछ ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं जो कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, तो वहां पर आपको स्ट्राइक देखने को मिलेगा फिर भी आपके चैनल पर, और आपका वीडियो भी रिमूव किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों, जो पॉलिसी आया है यूट्यूब का, ये कमेंट को लेकर के, थंबनेल को लेकर के, अनलिस्टेड प्राइवेट पब्लिक को लेकर के, और फिर इसके बाद एक्सटर्नल लिंक को लेकर के, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अब देखिए दोस्तों, आप इससे बच कैसे सकते हैं। देखिए, आप अपने चैनल को रिव्यू कर लीजिए, अपने वीडियोस को रिव्यू कर लीजिए, यही आपने जो वीडियो डाला है, अपलोड किया है यूट्यूब पर, कहीं अनलिस्टेड में अगर कोई वीडियो आपके पड़ा हो या फिर पब्लिक प्राइवेट में पड़ा हो, कोई वीडियो ऐसा हो जो कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ हो, तो उस वीडियो को आप तुरंत डिलीट कर दीजिए। नहीं डिलीट करेंगे, YouTube कभी न कभी स्ट्राइक मार देगा, फिर इसके बाद आपका चैनल भी झंड हो जाएगा, आपका वीडियो भी झंड हो जाएगा। तो आप बचिए और बचाइए अपने चैनल को, दोनों काम करिए आप। तो यही पॉलिसी था दोस्तों YouTube का। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आगे ही इसी तरीके से हेल्पफुल वीडियो आपको देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।